हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पियानो सीख के ज्ञान लीजिए में। तो आज का हमारा लेसन है, आज हम एक एक्सरसाइज प्ले करने वाले हैं जो आपको राइट और लेफ्ट हैंड एक साथ प्ले करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज है। लेफ्ट हैंड में हम कॉर्ड्स प्ले करेंगे, राइट हैंड में एक छोटी सी मेलोडी, और जो इसका जैसे टाइम सिग्नेचर है वो वॉल्ट्स रिदम है ना, 3/4 होती है हमारी वॉल्ट्स रिदम, जिसमें थ्री काउंट्स होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो एक बार मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये हमारी मेलोडी है, आपने देख ली, जो मैं लेफ्ट हैंड में कॉर्ड्स प्ले कर रहा था, राइट हैंड में मेलोडी। अब चलो एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे कि हमें प्ले कैसे करना है। तो पहले ये देखो, जो मेलोडी है वो हमारी जी मेजर स्केल में है। स्केल जी मेजर स्केल क्या होता है और कॉर्ड्स मैंने कैसे फाइंड आउट करी उसकी, पहले जी मेजर स्केल एक बार देख लेते हैं। मैंने एक मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लो, क्योंकि स्केल्स प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी से स्टार्ट है, जी ई। अब ये देखना, ये ब्लैक की लूंगा मैं एक एफ शार्प और जी पे। ये पर कैमरे में अच्छे से आप देखते रहो, तो ये हमारा जी मेजर स्केल है। अब कॉर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैं कॉर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, या तो जैसे अगर कोई सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ तो या तो वो मेजर स्केल में होगा या माइनर स्केल में, तो उसकी कॉर्ड्स कैसे पता लगती हैं। सबसे पहले स्केल फाइंड आउट कर लेते हैं। स्केल फाइंड आउट करने के बाद हमें एक फैमिली कॉर्ड्स का एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसे मेजर स्केल है तो इसमें जो मेरी कॉर्ड्स बनेंगी, जैसे ये मेरा एक अपना एक जो मेरा टिप है जो मैं सबको देता हूँ, फर्स्ट नोट और जो फोर्थ नोट है और जो फिफ्थ नोट है स्केल के अंदर, जैसे फर्स्ट नोट जी है तो जी मेजर कॉर्ड बनेगी, एक फोर्थ नोट सी है तो सी मेजर कॉर्ड बनेगी, फिफ्थ नोट डी है तो डी मेजर कॉर्ड बनेगी। ये तीनों नोट्स मेजर कॉर्ड बनाएंगे। अब सेकेंड नोट स्केल का, थर्ड नोट और सिक्स्थ नोट, ये तीनों नोट तीन माइनर कॉर्ड। सेकेंड नोट ए है तो ए माइनर, थर्ड नोट बी है स्केल का देखो बी माइनर, सिक्स्थ नोट ई है तो ई माइनर, ये ई माइनर कॉर्ड बनी। सेवन्थ नोट जो है वो हमारा डिमिनिश कॉर्ड बनाता है, ठीक है, थोड़ा अलग लगता है सुनने में, है ना। तो हमारे सेवन नोट्स होते हैं स्केल में, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा तो कॉमन है, ये भी सा और ये सा सेम है, तो सेवन नोट्स हो गए हमारे। इसका मतलब है कि सेवन कॉर्ड्स होती है हमारी हर स्केल में, तीन मेजर तीन माइनर एक डिमिनिश्ड। तो अब जो मेलोडी है वो मैं जी मेजर स्केल में प्ले कर रहा हूँ, तो मैं कॉर्ड्स भी यही यूज़ करूँगा। तो फिलहाल मैंने चार कॉर्ड्स पिक करी, एक बार आप कैमरे में देखो। जी मेजर कॉर्ड लेंगे फर्स्ट, ये रिलेटिव माइनर है, हर मेजर स्केल का सिक्स्थ नोट उसका रिलेटिव माइनर होता है, तो ई माइनर कॉर्ड भी लेंगे हम। सी मेजर कॉर्ड, डी मेजर कॉर्ड, तो जी मेजर कॉर्ड, ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ये कॉर्ड जो हुए। अब एक बार मेलोडी पे देखते हैं और फिर लेफ्ट और राइट हैंड को एक साथ देखेंगे, और जो मैं पैटर्न प्ले कर रहा था लेफ्ट हैंड का वो कैसे करना है। एक बार मेलोडी आप अच्छे से देख लो, तो मैंने बताया था 1 2 3, 1 2 3। एक तरीका क्या है लेफ्ट हैंड पैटर्न को, जैसे थ्री नोट्स प्ले कर रहे हैं कॉर्ड में, हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोट को मैं इंडिविजुअल प्ले कर रहा हूं, ये जो तीन नोट्स है कॉर्ड में, जी बी डी, सिर्फ जी प्ले करो, बाकी के दोनों नोट्स को सेकंड और थर्ड बीट पे हिट करूंगा। देखना कैमरे में देखो तब समझ आएगा। वन टू थ्री, वन टू थ्री, सेम ई माइनर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सी मेजर पे भी वन टू थ्री, वन टू थ्री, डी मेजर 1 2 3, 1 2 3,
ये तरीका होता है कॉर्ड प्ले करने का, अगर मैं इसको थोड़ा एडवांस बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? ये देखो एक बार कैमरे में, फर्स्ट नोट लिया, अब यहां से सेकंड ऑक्टेव से मैं तीनों नोट्स लूंगा। देखा आपने? एक बार मेलोडी के साथ देखते हैं, पहले थोड़ा सिंपल वे में देखेंगे, जो मैं वन ऑक्टेव पे बता रहा था ना पहले, वो वाला पैटर्न अप्लाई करके एक बार देखते हैं। कैमरे में देखो अच्छे से, इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे राइट और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की, तो आपको बहुत मतलब थोड़ा हो सकता है शुरू में थोड़ा सा टफ लगे, बट फिर आपको इससे हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। ये देखो लेफ्ट हैंड पैटर्न, अगर आपको नहीं समझ आ रहा वैसे तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि YouTube एप्लीकेशन में एक सेटिंग्स में जाओगे, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक स्लो मोशन करने का, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ईजी लगे और फिर समझ आए। ये बाकी आपको काफ़ी बार मतलब ये ट्यूटोरियल हो सकता है देखना पड़े, तब धीरे धीरे समझ आएगा, और प्रैक्टिस करो साथ में, कीबोर्ड पियानो लेके बैठो और प्रैक्टिस करो, तब आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो यही था आज का लेसन, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो और थोड़ा बहुत आपको इससे हेल्प मिले, मदद मिले, और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहो तो मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, चाहे वो आपका फीडबैक थोड़ा बुरा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, ठीक है? तो आप जो भी देना चाहो अपना फीडबैक तो आप ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में बताना, और आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो चलो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखो, मैं भी रखता हूँ, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।